हम बात कर रहे हैं रिफेक्स इंडस्ट्रीज़ की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो रिफेक्स इंडस्ट्रीज़ में हमको 4% तक की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। गिरावट का सिलसिला जो है रिफेक्स में हमको कंटिन्यू होता नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट 500 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया है, वहाँ से लगातार गिरावट में है 500 के लेवल से। और हमने डिस्कस भी किया था कि बड़ी गिरावट दिखा सकता है 420 का लेवल, जहाँ इससे पहले स्टॉक ने सपोर्ट लेकर बड़ा जम दिखाया था, इसको मेजर सपोर्ट के तौर पर डिस्कस किया था। इस लेवल का भी स्टॉक ब्रेक डाउन कर सकता है, इस लेवल को भी ब्रेक डाउन करते नज़र आ सकता है। और इसके ब्रेक डाउन के बाद नीचे की ओर फिर जो मेजर सपोर्ट रहेगा आप 400 का लेवल, 400 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है तो ये जो लो आप देख पा रहे हो जहाँ इससे पहले सपोर्ट दिया था 380, यहाँ तक का फॉल स्टॉक दिखा सकता है। ऐसा हमारा डिस्कशन ऑलरेडी इससे पहले वीडियोस में हुआ है। और देख सकते हैं रिजेक्शन के बाद लगातार गिरावट स्टॉक हमको दिखाता नज़र आ रहा है, रिफेक्स में लगातार गिरावट देखने के लिए मिली। तो आप नीचे की ओर 400 जैसे हमने डिस्कस किया इमीडिएट सपोर्ट है, ब्रेक डाउन कर जाता है तो इसका लो 380। अब अगर स्टॉक बाउंस बैक दिखाता है, यहाँ से जंप आता है तो इमीडिएट टारगेट बनेगा 430, ब्रेकआउट कर गया तो 440 का लेवल नेक्स्ट टारगेट। अगर 440 का लेवल स्टॉक ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2-3 दिन सस्टेन होता है 440 के ऊपर, तो फिर यहाँ से अगेन स्टॉक में फिर 480 तक का बाउंस बैक दिखा सकता है, फिर 480 तक के टारगेट दिखा सकता है। कैसी कंडीशन में? अगर बाउंस बैक करके 440 का लेवल ब्रेकआउट करता है और इसके ऊपर 2-3 दिन सस्टेन होता है, तो वैसी कंडीशन में 480 तक की रिकवरी फिर रिफेक्स में देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन फिलहाल स्टॉक गिरावट में, तो थोड़ा सा इससे दूर रहना इस वक्त ठीक रहेगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।